गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. माय नेम इज सुनील शिंदे. वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स. देखिए भाई, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए. हम लोगों ने जो इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने बोला था आपको क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है ना. हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, एटोमाइजेशन, ये सब हमने कंप्लीट किया हुआ है. आपको याद आ रहा है? देख लीजिए, थोड़ा सा आपको मैं याद दिला देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या आपस में पहले पढ़ा था. तो देखो, एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये हमने कंप्लीट किया. देखो, एंथैल्पी ऑफ फेस ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना. इसमें याद रखना है कि वन मोल ऑफ सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा, आपका लिक्विड में, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये आपको याद रखना है. उसके बाद फिर हमने सेकेंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, थर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, याद आ रहा है आपको. एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिकुलर चेंज, मतलब एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं इसको हम लोग. उसके बाद फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ओके, ये हमने इतना कवर कर लिया था, याद आ रहा है आपको. तो अब हम देखते हैं यहाँ पर उस पर बेस्ट क्वेश्चन तैयार. तो आपको याद आएंगे पूरे, ठीक है. चलिए इधर ध्यान से देखिए ज़रा आप लोग. तो उसमें मैंने जो पहला क्वेश्चन जो बनाया वो है, एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज. अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा. एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स ओनली व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर. सोचिए क्या आंसर इसका. इसका आंसर है, चार ऑप्शन दिए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. तो क्या होगा, फ्यूजन है तो मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये आंसर होगा. आया क्या आंसर, ठीक है. मतलब ये कैसे, अभी लाइन टू लाइन इसलिए इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए. एंथैल्पी चेंज दैट अकंपेनिंग द वेपराइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड. उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सोचिए क्या आंसर होगा, क्या चेंज हो रहा है. वेपराइजेशन, वेपराइजेशन बोला तो बस इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. ऐसा हिंट पकड़िए इसमें से, ये डेफिनेशन से. फिर नेक्स्ट है, द एंथैल्पी चेंज अकंपेनिंग द डिसोसिएशन ऑफ वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम, मतलब वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम्स इज कॉल्ड. उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्या बोलना चाहिए इसको. यस सोचिए, यस आया, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट है, एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्वड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. आपको डेफिनेशन आपको याद आनी चाहिए. तो क्या हुआ, इन चारों में से सोचिए, एंथैल्पी सॉल्यूशन, एंथैल्पी एटोमेशन, एंथैल्पी वेपराइजेशन, एंथैल्पी सॉल्यूशन, इनमें से क्या हो सकता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो पहले. उसके फिर नेक्स्ट है, एंथैल्पी चेंज अकंपेनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसेस एटम इज कॉल्ड. क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयनेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्या होना चाहिए. क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन निकल के आयन बन रहा है, मतलब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. सोचना पड़ेगा आपको ये, ठीक है. चलिए अब हम आज का नया आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री. ये थ्योरेटिकल है, अगर थोड़ा फास्ट भी लिया तो उतना मुझे नहीं लगता कि डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट टाइम मैं लिया था, लेकिन बाद में मैंने देखा उसको, मैंने वीडियो को, ठीक है उतना, क्योंकि थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल होने के कारण उतना प्रॉब्लम नहीं आता. हाँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है कुछ है तो फिर हमको लगता है नहीं यार बहुत ही हार्ड है ये. चलो, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मो मतलब हीट होता है ना, और केमिस्ट्री मतलब ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट के बारे में, हीट चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले रहते हैं. देखो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच है, एंड विच डील्स विद किसके स्टडी ऑफ हीट चेंजेस, मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो इवॉल्व होगी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग क्या, थर्मोकेमिस्ट्री. अब उसके अंदर हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब H से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल H लेटर से. देखो यहाँ लिखा है हीट ऑफ, तो हीट ऑफ रिएक्शन देखो यहाँ पर, तो हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा H मतलब चेंज लिखा है, इज अ डिफरेंस इन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट. मतलब क्या होता है कि सारे हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स के एंथैल्पी का सम कर लिया, फिर सारे रिएक्टेंट सम करके उसका डिफरेंस निकाल लिया. देखो बताता हूँ आपको यहाँ पर, देखो अभी हमने एक रिएक्शन लिया,
ये कैपिटल ए रिएक्टेंट है, कैपिटल बी रिएक्टेंट है, उसका स्मॉल ए कॉफिशियंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स है ना, 1 2 3 वो रहता है ये कॉफिशियंट ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या रहेगा आपके रिएक्टेंट, और स्मॉल ए स्मॉल बी क्या रहेगा उसका कॉफिशियंट, कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट, और स्मॉल सी स्मॉल डी उसका क्या रहेगा कॉफिशियंट। तो अब देखो आपने ये आपके ये रिएक्टेंट है यहाँ पर और ये आपका क्या प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हमने क्या किया देखो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये समेशन है, समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट्स मतलब हीट ऑफ एंथैल्पीज ऑफ क्या है प्रोडक्ट के, सारे एंथैल्पी को सम कर लिया यहाँ पे, समेशन ऑफ एच रिएक्टेंट मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो आप देखो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो कॉफिशियंट है आपका देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, तो हमने यहाँ लिखा सी और यहाँ पे ये कॉफिशियंट जो रहेगा यहाँ सामने आएगा, जो भी नंबर रहेंगे नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसको, नंबर यहाँ पे आएगा और ये सी नीचे आ गया, ये डी सामने आ गया नंबर ऑफ मोल जो भी होगा ये डी नीचे लिखा हमने, फिर यहाँ पे रिएक्टेंट सी करना है, ये आपका रिएक्टेंट ए बी और ये कॉफिशियंट इसके, तो इनका सम और माइनस कर दिया आंसर आ गया, मतलब शॉर्ट में लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एच पी मतलब प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत आसान है। एच रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस, और अगर देखो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन तो डेल्टा एच पॉजिटिव, सब जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या होता है पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा इसके अंदर, देख लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो में क्या होता है हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसमें डेल्टा एच क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और यहाँ पे डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट बाहर निकलती है ठीक है ना, इससे बर्निंग में बाहर निकलती है, तो उसमें डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पे जीरो ग्रेटर देन डेल्टा एच हो गया। देखो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको आप अभी फास्ट कवर कर सकते हो, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है हमको समझ में नहीं आ रहा, बहुत आसान है ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, द डिफरेंस इन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड, अभी बताया था क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सोचिए हीट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन सब्लिमेशन सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, डेफिनेशन याद है तो आपको आ जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक डेल्टा एच क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होगा ना इक्वल होगा ना न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। फिर देखो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज क्या होगा, डेल्टा एच इज पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल क्या होना चाहिए सोचिए, थर्ड के लिए नेगेटिव होगा डेल्टा एच, एक्सो में नेगेटिव एंडो में पॉजिटिव हो गया, ये छोटे टर्म्स है उसके। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब होती है, देखो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो, जैसे आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन को रिएक्शन के ऑक्सीजन के साथ बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, इसमें हीट ऑफ रिएक्शन कितना प्लस का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना है, यहाँ पर डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, इसमें 66.4 किलो जूल, कोई एक एग्जांपल आपको याद करना है, जरूरी नहीं कि आपको टेक्स्ट बुक ही दे, आपको दूसरे भी अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं आप तो उसमें से वो भी दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये बोर्ड के हिसाब से एमसीक्यूज में समझना पड़ेगा आपको। अब इसको मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए मैंने कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, याद रखना है इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होगा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल दैन रिएक्टेंट, मतलब एच टू ग्रेटर दैन एच वन, यहाँ पर याद रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ जो प्रोडक्ट होगा ग्रेटर दैन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये याद रखना पड़ेगा आपको, और डेल्टा एच पॉजिटिव तो हमने अभी पढ़ा था, और रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल दैन प्रोडक्ट्स, ऐसे इसके चार कैरेक्टरिस्टिक, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जो डेफिनेशन है ठीक है ये आपको क्या करेगा ये काम करेगा आपको, मतलब ये सब एमसीक्यू, मतलब इतना बढ़िया नोट्स बना दिए मैंने, आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ के देखिए आपको जल्दी समझ नहीं आएगा टेक्स्ट बुक में, इतना अच्छा कर दिया है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, कितनी आसानी है, मतलब नाइन्थ में कहीं हम लोगों ने पढ़ा हुआ ये एंडोथर्मिक, याद आ रहा है आपको, तो उसके लिए आप ये आपको आराम से कवर कर सकते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स आप लोग को ज़रा ध्यान दीजिए, जरा मैं आपको ये चैप्टर में इसी में कंप्लीट करूँगा, अभी के थोड़ा सा रह गया, अभी एक लेक्चर और लगेंगे हार्डली, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद फिर मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा लाऊँ, तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अब बहुत से बच्चे बोर्ड कर रहे हैं ठीक है, मैं बोर्ड पढ़ाता हूँ हाँ, और एमसीक्यूज हम इसमें लेंगे, एमसीक्यूज के लिए बहुत बढ़िया पैटर्न मेरे हिसाब से है ना, एमसीक्यूज हम इसमें ले सकते हैं। और एक मुझे एक बात समझ आ रही है कि बच्चे आप लोगों के व्यूज बहुत कम आते हैं,
क्या मालूम मेरा गैप पढ़ने कारण है कि किस कारण क्या है, जो भी हो तो अभी यहाँ से मैं पूरा रेगुलर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी मैं यहाँ पे टाइम ज़रा ज़्यादा दे रहा हूँ मैं अभी, तो आप बेफिक्र रहिए, आपका मैं कवर करूँगा, डबल डबल लेक्चर लेने की मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं। आप अपना आप भी ज़रा यहाँ पे ज़रा एफर्ट्स लगाइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर करने लगाइए, सब्सक्राइब करने लगाइए, लाइक दीजिए, हम जिससे हमको एनर्जी मिले, ठीक है ना, क्लियर है। चलो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, अब हम देखते हैं एक्सो, उसका ऑपोजिट कर दो उल्टा। एक्सो मतलब हीट बाहर निकली, मतलब रिएक्शन मीन्स हीट इज इवॉल्व, इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखो नाइट्रोजन को हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो अमोनिया बनेगा, तो इस रिएक्शन में कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब 92.2 किलो जूल। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये कोई मैंने मन से नहीं लिखा, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक के ले सकते हैं, दूसरे ले सकते हैं, या एलेवेंथ के ले सकते हैं, कुछ ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसके कैरेक्टर उसको उल्टा कर देना, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप होगा, हीट अपने आप बाहर निकलेगी। जब किसी कागज़ को जलाओगे तो हीट अपने निकलेगी, थोड़ी बंद हो जाएगी, तो इसको स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब एक्सोथर्मिक में याद रखना है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, मतलब इसमें एच वन ग्रेटर देन एच टू रहेगा, और एंडोथर्मिक में एच टू ग्रेटर देन एच वन। वो ये सब याद रखना, ये सब एमसीक्यूज में आपको परेशान करने वाले हैं सारे। और डेल्टा एच इज नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट बाहर निकलती है तो उसका प्रोडक्ट की हीट कम हो जाती है वहाँ पर, ये ध्यान रखना है, उसमें ज़्यादा स्टेबल। इस पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई रिएक्शन आएगा या डेफिनेशन आएगा, या चारों में से कोई एक पॉइंट आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, देख लीजिए। बात समझ आ रही है, इतना बढ़िया करके दे दिया आपका। चलिए अब देखते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन अभी अभी। अच्छा, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, हीट एब्जॉर्ब होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, हीट एब्जॉर्ब हो रही तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ओके। अब देखते हैं रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट इवॉल्व हो रहा है ऑब्वियसली, मतलब है इजी क्वेश्चन, लेकिन क्या हुआ इसके थ्रू अपना रिवीजन हो रहा करके, मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उसके लिए है, कि भाई क्वेश्चन कहाँ कहाँ बना सकता है, ठीक है ना। फिर देखिए अभी नेक्स्ट, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस अभी पढ़ा है, ओके। उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल, कैसा होगा एंडोथर्मिक, नॉन स्पॉन्टेनियस, इजी है, मतलब मैं खुद ही बोल रहा हूँ इजी हो। अब देखिए इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, सोचिए, नेगेटिव होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बहुत आसान। ये मतलब कुछ आपको मैंने दे दिया इजी, आज का मैं छोटा सा लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये चाहूँगा, बहुत धीरे धीरे भी पढ़ाया है ऐसा, कोई फास्ट नहीं किया, थ्योरेटिकल पार्ट है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग है ना अनअकैडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। मैंने अनअकैडमी बने, इसके पहले एक वीडियो डाला है मैंने, उसमें अनअकैडमी पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, वहाँ से आप देख लीजिए, पूरा अनअकैडमी का पूरा इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ आप ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मैं अभी ज़्यादा ज़्यादा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बस इतना एक चैप्टर तक आप वेट कीजिए, इसको होने के बाद मैं बोर्ड पढ़ाऊंगा और एमसीक्यूस में इसी पे लूँगा, ठीक है, एमसीक्यूस में लूँगा। और मैं कोशिश करूँगा लाइव, ऐसे इसमें मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, मैं एमसीक्यूस में लाइव लेने की कोशिश करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है, उसका पूरा प्लान करने वाला हूँ। अभी आप क्या कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइए, नाराज मत होइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइए, सब्सक्राइब करने लगाइए, मैं करूँगा जितना मेरे से बेस्ट होगा, अब फटाफट मूव करूँगा, टेंशन मत लीजिए। अभी इसके क्या, अब आपका क्या सोल्यूशन रह गया है, इसका सोल्यूशन रह गया आयनिक इक्विलिब्रियम रह गया आपका, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम रह गया है। अब बता दो चैप्टर अपने कितने रह गए, आयनिक इक्विलिब्रियम रह गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रह गया है, केमिकल काइनेटिक्स रह गया है, एलिमेंट्स ऑफ 16 17 18 ग्रुप रह गया है, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन रह गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बस इतना ही रह गया है आपके चैप्टर्स, मेन चैप्टर। मतलब कितने रह गए अभी आपके, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर तो रह गए अभी आपके मेन। एक ग्रीन केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, वो उतना उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मिला के 7। ये चैप्टर अभी दो एक लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा, अभी थोड़ा समय ज़रा इस सब करके मैं मैनेज करके जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँ, दो दो लेक्चर ऐसे करके फटाफट जितना जल्दी होगा इसको खत्म करके मैं जल्दी से आपका आ जाऊँगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर सोल्यूशन होने वाला है, अपना सोल्यूशन पे हम आने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए, सब्सक्राइब करने लगाइए, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम ग्रुप में डालिए, ठीक है ना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। तो उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर 2020-21 की ऐसा एक बैच बनाई है मैंने, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं, शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक, शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक से ये पूरा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको याद ही होगा, 8669666666, ठीक है ना, 99,
ठीक है, ये नंबर मेरा है, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ये ठीक है ना, वो मैं दिया है ऐसा आपको सब बताया, व्हाट्सअप नंबर ये है, ये इस पर व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम मेरा सिंधिस केमिस्ट टेक्निक से, ये टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए आप मेरा, ठीक है ना, ज़्यादा बच्चे ये 2020-21 में जाना, टेलीग्राम जो रहेगा ना, टेलीग्राम में आपको इस पर करना है ज्वाइन, 2020-21 ग्रुप में, दो ग्रुप है उसके अंदर बने हुए, एक पुराना है एक नया, आपको ये न्यू इसमें करना है, ठीक है ना, इसको कर लीजिए। इसके अंदर मेरे 150 के करीब करीब मेंबर्स होंगे अभी, जो अभी ज्वाइन करना है, सब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो इसमें इंफॉर्मेशन देके पूरा कर लेंगे। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम में भी मेरा यही है मेरा सिंधिस केमिस्ट्री, इंस्टाग्राम में यही रहेगा, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में सब डाल दूंगा मैं आपको, आप देख लीजिए उसके अंदर, व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप नंबर ए टू जेड उसके अंदर रहेगा, फेसबुक भी उसके अंदर रहेगा, सब कुछ देख लीजिए आप उसके अंदर, आपको उसमें तो मैं भी सब कुछ चेंजेस कर रहा हूँ मैं यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि आप बेस्ट से बेस्ट यहाँ से दो, वो टाइम है आपके जो एग्ज़ाम होगा वो मई में होने वाले एग्ज़ाम, ठीक है ना, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, सब बढ़िया होगा। चलिए फिर हम यहाँ पे अपना लेक्चर आपका स्टॉप करते हैं, अब इसके आगे मूव करते हैं, अभी कुछ थोड़ा सा रह गया है चैप्टर आपका एंडिंग पे ही आपका, ठीक है ना, ये चैप्टर मैं इस पर कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि फिर बाद में बाकी के आगे के चैप्टर में बोर्ड पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, चलिए ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके चलिए।